फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़ा था पार्ट पाँच सुनहरे हिरण। तो इसमें क्या बताया था कि हमें हमारी तरह जीव जंतु को भी रखना चाहिए, उनके साथ दया भावना रखनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। तो चलिए हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 28। चलिए शुरू करते हैं। शब्द अर्थ जंगल। जंगल मतलब क्या होता है? वन। दल, दल मतलब समूह, किसी चीज़ का समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दल। निराश मतलब मायूस। गर्भिणी, गर्भ धारण करने वाली, मतलब जब प्रेग्नेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गर्भिणी। जीव हत्या मतलब जीवित जीवों को मारना, जो जीवित जानवर जो रहते हैं उनको मारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जीव हत्या। सुनहरा मतलब सोने के रंग वाला। आखेट मतलब शिकार। व्याघ मतलब शिकारी। अनाथ मतलब जिसके माता पिता विहीन, जिसके माता पिता ना हो, जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? अनाथ। और उपवन मतलब बगीचा। चलिए अब अभ्यास, अब डिक्टेशन वर्ड बोलते हैं, आप इसको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप हिरण आखेट व्याध सैनिक सुनहरे राजधानी प्रसन्न गर्भिणी राजन सुखपूर्वक। ये शब्द जो है इसको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। अब ये लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें अपन को सिर्फ उत्तर बोलना है, कॉपी में नहीं लिखना है इनके उत्तर। जंगल में किस रंग के हिरण रहते थे? तो जंगल में सुनहरे रंग के हिरण रहते थे। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था भद्रसेन। राजा का नाम भद्रसेन था। राजा ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया था कि कोई भी जानवरों की हत्या आपको नहीं करना है, शिकार नहीं करना, हिंसा नहीं करना। अभी राइटिंग वर्क आया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भारत में किस दिशा में जंगल था? तो भारत के किस दिशा में जंगल था? उत्तर। तो उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भद्रसेन कहाँ के राजा थे? तो भद्रसेन काशी के राजा थे। तो ये काशी पे सही का निशान लगाइए। जंगल में दाई ओर रहने वाले हिरण का नाम क्या था? तो जंगल में दाई ओर रहने वाले हिरण का नाम क्या था? बट्टू। तो बट्टू पे सही का निशान लगाइए। राजा किसके साथ अपना मन बहलाते थे? तो राजा हिरण के साथ अपना मन बहलाते, तो हिरण पे सही का निशान लगाइए। तो आज हमने क्या पढ़े? शब्द अर्थ, मौखिक प्रश्नोत्तर और सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कल आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप इसको घर में दोहराइएगा।